मित्रों, अगर ये वीडियो पसंद आया है तो आपसे आग्रह है कि ट्रू मीडिया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, और हाँ, सब्सक्राइब बटन के बराबर में जो घंटी का निशान है उसे अवश्य दबाएं ताकि लगातार आपको वीडियो मिलती रहे। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार, और आप सभी का तहे दिल से स्वागत। मैं माननीय आलोक जी, श्री विनोद गुप्ता जी, हमारे बाऊ जी श्री अमरनाथ सिंघल जी, जिन्होंने आज आके इस प्रोग्राम को आशीर्वाद दिया है, उनको नमन करते हुए ये प्रोग्राम शुरू करता हूँ और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। गज़ल योगी दीक्षित दनकौरी जी की जन्म दिवस महफिल खुशबू ए खुलूस में। मुझे अभी भाई साहब ने कहा कि कुछ और विशिष्ट मित्र अतिथिगण आने वाले हैं, तो हम थोड़ी सी देर में 5-7 मिनट में अपने कार्यक्रम की शुरुआत करें। तो भाई साहब, मेरे जो दोस्त हैं उनको बड़ा आश्चर्य होता है कि मेरा इश्क़ गज़ल जो है ये मेरे को क्या बीमारी है। हालांकि आप इस पर ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे, क्योंकि आपको भी खूब परेशान करता हूँ कि भाई साहब ये सिखाइए वो सिखाइए। तो ये मेरा जो विषय, जो मेरा इश्क गज़ल के साथ है, काफ़ी दोस्त हैं यहाँ। अभी राकेश भाई साहब बोले, यार क्या है? मैंने कहा बैठो सुनो, अभी बताता हूँ। जो यहाँ पर शायर आए हुए हैं उनको तो सब मालूम है कि गज़ल क्या है, पर यहाँ पर आपके काफ़ी श्रोता आए हुए हैं जिनको ये नहीं पता कि गज़ल क्या है। ये दरवाज़ा इधर से हम, ये नॉइज़ रसोई का जो है, हाँ हाँ, विनोद जी का सुझाव बहुत अच्छा है कि फोन भी हम लोग साइलेंट कर लेते हैं ताकि पूरा मजा ले सके। आप लोग गजलें सुनते हैं, शेर कहते हैं और शेर खूब पसंद करते हैं, पर शायद बहुत कम लोग जानते होंगे कि ऐसी क्या बात होती है किसी शेर में या किसी गाने में, पुराने हिंदी फिल्मों के गानों में ऐसा क्या विशेष है कि वो दिल को पकड़े रखते हैं। जैसे हम कहते हैं कि पुरानी हिंदी फिल्मों के जो गाने हैं वो सदाबहार हैं, जब भी सुनो उनको खूब मज़ा आता है, तो वो मज़ा क्यों आता है? आज वो मज़ा मेरे कुछ मित्रों के लिए, जो हमेशा हमने पहले मुशायरा रखा तो उन्होंने कहा भाई गज़ल का प्रोग्राम है तो ड्रिंक्स तो होने चाहिए। मैंने कहा नहीं, आज नहीं। आज की शाम का साकी मैं खुशदीप बंसल आपको सिर्फ शुद्ध जल चाय कॉफ़ी ही आपके पैमाने में डालूंगा, क्योंकि जिंदगी का नशा तो दीक्षित दनकौरी जी की गज़लें घोल देती हैं, और मैं चाहता हूं कि आप उसी जिंदगी के नशे का एहसास करें, आप उसको महसूस करें। तो मेरी दीवानगी की वजह क्या है गजलों के प्रति? मेरी दीवानगी की वजह क्या है? सोचा आज आपको हमराज बना ही लेता हूं। आपने कभी गौर फरमाया है कि जब भी आपको अपने मनोभावों को अभिव्यक्त करना हो क-
करना हो तो आप उन मनोभावों के अनुसार ही गानों को सुनते हैं, कभी सैड सॉन्ग, कभी रोमांटिक सॉन्ग। और कई बार आप अपने दिल की बात कहने के लिए किसी को एक गाना सुनने को कहते हैं, बहुत लोगों ने ऐसा महसूस किया होगा। और या आप किसी को शेर भेजते हैं या कोई आपको शेर भेजता है, तो इसका अर्थ है कि ये जो विधा है, ये जो गजल का शेर है, ये दिल की जुबान है। दिल जो कह नहीं पाता और कम से कम शब्दों में जो कह नहीं पाता, कहने को इतना कुछ पर कह नहीं पाता, उसको कहने की विधा है गजल। पर ये गजल तो उसकी विधा हुई दिल की जुबान की, तो इसके पीछे का रहस्य क्या है? मैं चूंकि पिछले करीब 7-8 बरसों से ये रहस्य ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं। मैं साधक नहीं हूं गजल का, मैं तो स्टूडेंट हूं। स्टूडेंट भी नहीं हूं, स्टूडेंट कुछ काम तो करता है, होमवर्क तो करता है, मैं तो वो भी नहीं करता, सुनता हूं। भाई साहब ने इंडिया इस्लामिक सेंटर में आज से शायद 4 या 5 बरस पहले की बात है एक शेर कहा। गौर फरमाइएगा भाई साहब के शेर पर। भाई साहब ने कहा, लोग यूं भी बड़े हो गए जो उनके साथ खड़े हो गए। लोग यूं भी बड़े हो गए जो आलोक भाई साहब के साथ खड़े हो गए। फोटो खिंचवाते हैं लोग हमारे भाई साहब के साथ। वो शेर ऐसा लगा जाके, कितने सारे सच, कितनी सारी रियलाइजेशन एकदम से मुझे फ्लैश हुई। मैं जैसे ही प्रोग्राम वहाँ पर ख़त्म हुआ तो मैं भाई साहब से मिला, मैंने दरख्वास्त करी, फिर ये मुलाकातों के दौर बढ़ते चले गए, उनका स्नेह, उन्होंने मार्गदर्शन भी किया। और चूंकि भाई साहब योग के शिक्षक हैं, 35 बरस 36 बरस योग साधा भी और सदभाया भी, तो घर पर जब भाई साहब आए तो भाई साहब ने बात शुरू करी। मैं हमेशा, मेरी आदत है जब भाई साहब से बात करता हूँ तो नोट्स बना लेता हूँ। भाई साहब ने कहा, ताल और प्रवाह जीवन के वाहक हैं। हमारा शरीर एक नियमित तालबद्ध व्यवस्था को बनाए रखता है, जैसे कि सांसों का आवागमन, दिल की धड़कन शरीर की ताल है। सांसें व खून का प्रवाह एक नियमित तालों पर अपनी गति से प्रवाहित होता रहे तो जीवन का एहसास सुखद होता है, बिगड़ जाए तो पीड़ा, रोग, डिप्रेशन होते हैं। इसे संतुलित बनाए रखने के लिए वैदिक ऋषियों ने छंद विधा की रचना की। छंद एक प्रकार का ऐसा समीकरण है जिसमें स्वर और व्यंजनों को गणना के आधार पर लिखकर वाक्यों को या मंत्रों की रचना की जाती है। ऐसी रचना को बोलने व सुनने वालों के अंतर्मन पर सशक्त प्रभाव होता है, ऐसा अनुभव वैदिक काल से ही महसूस किया गया है। और हम सभी उन मंत्रों का उच्चारण करते हैं, पूजा के वक्त उस शुद्ध उच्चारण का ध्यान रखते हैं। संगीत में भी ये तबला ताल के लिए गायक सुरों को इस ताल में बांधता है तो संगीत की रचना होती है। गजल में भी मैं आपसे क्या शेयर कर रहा हूं कि वो रहस्य क्या है जो दिल को छूता है। ये जो ताले हैं, ये जो ताल है, ये जो टाइमिंग है, ये जो बीट्स हैं, अगर वो बीट्स दिल की धड़कनों के साथ मिले तो बात दिल को छुएगी, और अगर ब्रेन वेव्स के साथ मैच करे तो दिमाग में घुसेगी। ये रिसर्च्ड
एक वेल रिसर्च्ड फैक्ट है। तो छंदों की रचना, वेदों में छंद हैं, गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि छंदों में मैं गायत्री हूं। ऐसे भिन्न भिन्न प्रकार के छंद हैं। चूंकि मैं गुरुकुल में रहा बहुत थोड़ा सा समय, 3 बरस, तो गुरु जी ने कहा कि बहुत बार वाक्य क्या लिखा हुआ है यह महत्वपूर्ण नहीं है, मंत्रों का ट्रांसलेशन करेंगे तो उसमें क्या निकल के आएगा यह महत्वपूर्ण नहीं है, परंतु उसका जो छंद है अगर उसका अभ्यास करेंगे तो ज्ञान अवतरित होता है। ऐसा बहुत सारे छंदों के बारे में है कि इस छंद में कुछ भी गाया जाए तो कोई किसी विशेष प्रकार का ज्ञान की अनुभूति होगी। 6वीं-7वीं शताब्दी में क्या हमारे वैदिक छंदों के आधार पर ही अरब में एक नए छंदों की रचना हुई जिसके आधार पर गजल की व्याकरण, अरूजे गजल का निर्माण हुआ और नियमों की रचना हुई, ये शोध का विषय है। परंतु हाँ, अरब में 7वीं, अरब देशों में 6वीं-7वीं-8वीं शताब्दी में कुछ नियम बनाए गए जो कि पर्शिया में जाकर और पॉलिश हुए, उसके और नियम बने और वो 19 बहर तय की गई। बहर यानी एक प्रकार का समीकरण, एक प्रकार का छंद, जैसे संगीत में राग है वैसे गजल में बहर है। उन बहरों में 19 बहर हैं, उन बहरों में स्वर और व्यंजन और मात्राओं को अगर तोल के गिन के एक हिसाब से रखा जाए तो जो विचार है या ख्याल है उसमें एक अद्भुत प्रकार का ओज पैदा हो जाता है जो सुनने वाले के दिल को छूता है। संगीत की, शास्त्रीय संगीत की साधना के जैसे जो गजल है, जो गजल की बहरें हैं, इन बहरों में जो अद्भुत, जो एक रस और एक भाव उत्पन्न होता है उसकी साधना ठीक वैसी ही है जैसे शास्त्रीय संगीत की साधना है। वक्त लगता है, तुकबंदियां तो कोई भी जोड़ लेता है, परंतु गजल कहने के लिए बहुत लंबा समय लगता है। और फिर वो गजल कहने के लिए, वो बात कहने के लिए कि जो जनमानस को प्रभावित करने वाले लोग हैं, चाहे वो हमारे संत हैं या हमारे नेता हैं, वो किसी शायर के शेर को अपनी बात कहने के लिए कहें तो माना जाता है कि वो शायर अमर हो गया है। गालिब साहब के कुछ शेरों को बहादुर शाह जफर जी ने कहा तो हम आज गालिब साहब को जानते हैं, और जिन लोगों को भाव है गजलों के प्रति वो आज चांदनी चौक में जाकर उनकी हवेली का रखरखाव करते हैं, वहाँ पर मुशायरे करते हैं, उनको बार बार याद करते हैं। वो साधना वक्त लगता है, और एक योगी जब वो साधना कह करता है तो फिर जब वो बात करता है तो वो सिद्ध बात करता है, वो बात कहता है तो जाने कहां कहां जाकर लगती है। तो साहब ये है मेरी दीवानगी की वजह, क्योंकि गजल और शायरी और विशेषकर दीक्षित दनकौरी जी की गजल और शायरी मुझे लियाकत, नफीसियत, संजीद की एक बात कहने का ढंग देती है। मेरे लिए वो वाणी की साधना है। मैं पढ़ता हूं, सुनता हूँ, सुनाता हूँ तो एक रोमांच शरीर में भर जाता है, मेरा रोम रोम एक आनंद की अनुभूति देता है, और मैं चाहता हूँ वही अनुभूति आप भी महसूस करें। थोड़ा सा वक्त अपने लिए निकालें, एक योगी की साधना को देखें, महसूस करें
हमने कोशिश करी है कि हम आपकी कुछ चुनी हुई गज़लें, मन तो है मेरा ढेर सारी गज़लों को म्यूज़िक में कंपोज करने का, परंतु जितना हम आज के लिए कर पाए, पर मैं वचन देता हूँ कि मैं ये करता रहूँगा, आप लोगों को बोर करता रहूँगा या पता नहीं आनंद देता रहूँगा। जाने किसका शेर है मालूम नहीं, नाम लेना चाहता हूँ शायर का, मैंने आज नेट पे भी ढूंढा, सुबह सुबह सोच रहा था कि कुछ बात करूँगा आपसे, भाई साहब बताएंगे या बाकी शायर बताएंगे और करेक्ट भी कर देंगे अगर मैं शेर गलत कहूँ, क्योंकि ख्याल क्या है वो कह देना चाहता हूँ, ना गज़लकार हूँ ना शायर हूँ और सीख रहा हूँ कि कैसे बात को कहा जाए। जिगर का खून चाहिए गज़ल को कहने के लिए, लोग समझते हैं इसे धंधा आराम का, ऐसा नहीं है साहब, खून लगता है जिगर का, खून लगता है। और हम खुशकिस्मत हैं कि आज मित्रों, अगर ये वीडियो पसंद आया है तो आपसे आग्रह है कि ट्रू मीडिया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, और हाँ, सब्सक्राइब बटन के बराबर में जो घंटी का निशान है उसे अवश्य दबाएं ताकि लगातार आपको वीडियो मिलती रहे। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।